एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 17 अब अपन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है, टेन टीटा बटा एक माइनस कोट टीटा प्लस कोट टीटा बटे एक माइनस टेन टीटा बराबर एक प्लस टेन टीटा प्लस कोट टीटा। यानी कि अपने को क्या करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके और राइट हैंड साइड लेके आनी। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है ना, एग्जाम में आने लायक सवाल है। अब अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो अपन ने लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या करते हैं कि जो अपने को कोट नजर आ रहा है, ठीक है ना, एक तो यहाँ पर कोट नजर आ रहा है और एक यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये जो कोट नजर आ रहा है इस कोट को अपन टेन की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हो कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा टेन थीटा होता है। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो कोट दिख रहा है इस कोट की जगह पे भी, इस कोट की जगह पर भी अपने को एक बटा टेन थीटा रखना है और इस कोट की जगह पर भी अपने को क्या रखना है, एक बटा टेन थीटा। तो देखिए लिखते हैं अपन, टेन थीटा तो ऐसा का सही बटे एक माइनस कोट की जगह पे रखेंगे एक बटा टेन थीटा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह अपन ने लगा दिया, कोट की जगह रखेंगे अपन एक बटा टेन थीटा और ये बटे में कितना आ जाएगा, एक माइनस टेन थीटा आ गया। अब अपन क्या करते हैं कि यहां पर इस एक के नीचे एक लगा देते हैं। अब अपन इसको इस तरीके से लिखिए कि टेन थीटा बटा यहां पर लेते हैं अपन लघुतम, लघुतम लेंगे तो टेन थीटा को एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा को सॉरी टेन थीटा में एक का भाग देंगे तो टेन थीटा बाहर गया, टेन थीटा को अपन एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह अपन ने लगाया, टेन थीटा का भाग टेन थीटा में देंगे तो एक बार गया, एक को अपन एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह अपन ने लगा लिया। अब ये ऊपर एक बटे टेन थीटा है तो ये टेन थीटा है ना नीचे उतर के इसके साथ में आ जाएगा, यानी कि एक बटा टेन थीटा और ये ऐसा कैसा ही वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो टेन थीटा है ये टेन थीटा पलट के कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको अपन इस तरीके से लिखे, ये टेन थीटा है ना ऊपर जाएगा तो इस टेन से ये टेन गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा माइनस एक, ठीक है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह और ये जो पद चल रहा है इस पद को ऐसा कैसे रख दो, एक बटा टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि यहां पर, ठीक है ना, हर में टेन थीटा माइनस वन है और यहां पर क्या है, वन माइनस टेन थीटा है, तो इसको भी मैं इसके जैसा बनाऊं, यानी कि वन को तो मैं माइनस का बनाऊं और टेन को किसका बनाऊं, प्लस का। तो यहां से मैं क्या करता हूं, माइनस का चिन्ह कॉमन लेता हूं, तो जैसे ही यहां से माइनस बाहर आएगा वो माइनस इस प्लस से गुणा होते हैं, यहां पर क्या बना देगा, माइनस बना देगा। अब अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस एक, ये माइनस बाहर निकालेंगे ना, माइनस बाहर आते इस प्लस से गुणा होते माइनस एक बटा टेन थीटा और ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस एक, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब अपन क्या करते हैं कि यहां पर लेते हैं एलसीएम, ठीक है ना, यहां पर अपने को क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहां पे एलसीएम आ जाएगा टेन थीटा और टेन थीटा माइनस वन, यानी कि टेन थीटा माइनस वन, यह आ गया इसका एलसीएम। अब टेन थीटा माइनस वन का भाग इसमें देंगे तो टेन थीटा माइनस वन से टेन थीटा माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, टेन थीटा बार। टेन थीटा को यहां पर ऊपर टेन स्क्वायर थीटा है, इस टेन थीटा को टेन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन की घात तीन थीटा, ठीक है ना, ये माइनस का चिन्ह है, ये अपन ने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए इसका भाग यानी कि टेन थीटा कोष्टक टेन थीटा माइनस एक का भाग इसमें देंगे तो देखिए दोनों संख्या सेम एक जैसी हैं तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है ना, तो एक को अपन एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं इस एक की घात तीन लगा देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करते हैं अपन, यहां पे ऊपर की साइड पे एक सूत्र यूज में लेना है, ठीक है ना, यहां पर एक सूत्र लग जाएगा, सूत्र क्या लगेगा, एक क्यूब, देखिए मैं इस सूत्र को यहीं पे लिख देता हूं, ये एक क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, ये यहां पे एक सूत्र लगेगा, अच्छा यहां पे रहने दो, यहां पे लिखो नीचे,
क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। और इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो ये जो ऊपर हंस में चल रहा है, इस हंस की तुलना आप इससे करोगे तो ए की जगह कितना चल रहा है, टेन थीटा चल रहा है, और बी की जगह कितना चल रहा है, एक चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस सूत्र में ए की जगह तो टेन थीटा रखना है और बी की जगह क्या रखना है, एक रखना है, ठीक है ना। उसमें सवाल सोल्व हो जाएगा अपना। तो अपन रखते हैं यहाँ पे, तो ए की जगह क्या रखना है अपने को, टेन थीटा, यह माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। बी की जगह क्या रखेंगे, एक रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस ए बी यानी कि टेन थीटा, ए की जगह तो क्या रखना है टेन थीटा, बी की जगह क्या रखना है, एक रखना है, और एक को टेन थीटा से गुणा करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, बी का स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही आता है, बटे में ये जो चल रहा है इसको ऐसा कैसा लिखो, यानी कि टेन थीटा और टेन थीटा माइनस एक बन जाएगा, ठीक है ना। अब इस टेन थीटा माइनस एक से ये टेन थीटा माइनस एक, ये दोनों तो एक जैसा ब्रैकेट है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास में क्या बचा हुआ है, अपने पास में बचा हुआ है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस एक बटे में टेन थीटा है। अब देखिए अपन इसको अलग अलग सेपरेट करते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, टेन थीटा बटे टेन थीटा और ये प्लस का चिन्ह, एक बटा टेन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर टेन स्क्वायर के फॉर्म में है और ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बच गया टेन थीटा, प्लस टेन थीटा में टेन थीटा का भाग दिया तो एक बार, प्लस एक बटा टेन थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो देखिए इसको इस तरीके से लिख लीजिए आप लोग, एक प्लस टेन थीटा, टेन थीटा प्लस और ये कोट थीटा, तो ये राइट हैंड साइड अपने को मिल गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, साइन थीटा कोष्टक एक प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक एक प्लस कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, यानी कि अपने को क्या करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड लाना है। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप वीडियो को अच्छे से देखना। तो देखिए अपन क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, इस लेफ्ट हैंड साइड को, पूरी लेफ्ट हैंड साइड को मैं साइन और कोस के फॉर्म में बदलता हूँ, ठीक है ना। यानी कि टेन की जगह पे मुझे क्या रखना है, एक बटा कोस थीटा, कोट की जगह पे क्या रखना है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए ये दो सूत्र थोड़े ध्यान रखना, सूत्र काम में लेने, यहाँ पे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे टेन की जगह पे तो रखना है अपने को साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा की जगह पे रखना है अपने को कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए रखते हैं अपन क्या होता है, तो अपन ने साइन थीटा तो ऐसा कैसा रख दिया, ये साइन थीटा, ये ब्रैकेट लगा दिया, वन का ऐसा का वन तो ऐसा का साइन, प्लस टेन की जगह रखेंगे अपन साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है ना। फिर ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, कोस थीटा को अपन ऐसा का साइन रखते हैं, और ये वन प्लस कोट की जगह रखेंगे अपन कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसको आगे सोल्व करते हैं, साइन थीटा यहाँ पर इस वन के नीचे एक लगा देते हैं और इस वन के नीचे भी एक लगा देते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं अपन लघुतम, लघुतम लेंगे तो एक को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस थीटा, कोस थीटा में एक का भाग दिया तो कोस थीटा भाग, कोस थीटा को अपन एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कोस थीटा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, कोस थीटा का भाग कोस थीटा में दिया तो एक बार, एक को अपन साइन थीटा से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह अपन ने लगा दिया, ये कोस थीटा ऐसा कैसा है बन जाएगा, यहाँ पर भी अपन क्या करते हैं लघुतम लेते हैं, तो साइन थीटा को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर साइन थीटा में एक का भाग देंगे तो साइन थीटा बार, साइन थीटा को अपन एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, साइन थीटा का भाग साइन थीटा में देंगे तो एक बार, एक को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। अब
अपन क्या करते हैं, देखिए यहां पर इसमें कोस थीटा प्लस साइन थीटा दिख रहा है और यहां पर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं कि इस पूरे पद में से और इस पूरे पद में से साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन निकाल लेता हूं। तो मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया। अब कॉमन निकालूंगा तो देखिए क्या मिला बचा मेरे पास में, ये तो आप लोगों ने यहां पे निकाल ही लिया, तो यहां पर क्या बच गया साइन थीटा, ठीक है ना, ये साइन थीटा हो गया, बटे में यहां पर कितना बच गया, ये हो गया कोस थीटा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, यहां से आप लोगों ने इसको तो बाहर निकाल ही लिया कॉमन, तो फिर यहां पर कितना बच गया, यहां पर बच गया कोस थीटा और नीचे कितना हो जाएगा ये साइन थीटा बच गया। अब अपन क्या करते हैं कि यहां पर इसके अंदर भी कोस एलसीएम लेते हैं, इसको मैंने लिखा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा और साइन थीटा, यानी कि इन दोनों को गुणा करके यहां पे लिख दिया। कोस थीटा का भाग इसमें देता हूं तो कोस थीटा से कोस थीटा तो कैंसिल हो गया, भाग कितने बार गया साइन थीटा बार, साइन थीटा को मैं साइन थीटा से गुणा करूंगा तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, साइन थीटा का भाग साइन इसमें देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, भाग कितने बार गया कोस थीटा बार, कोस थीटा को मैं कोस थीटा से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान तो कितना होता है, इसका मान होता है एक, ठीक है ना, तो यानी कि इसकी जगह पे तो अपने को क्या रखना है, एक रखना है। तो इसको इस तरीके से लिखूं मैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो अपन ने इसको ऐसा कैसा रख दिया, इनटू इसकी जगह मुझे रखना है एक बटा कोस थीटा और ये हो गया साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए इसको इस कोष्ट को अगर मैं एक से गुणा करूंगा तो ये कोष्ट क्या आएगा और नीचे ये ऐसा कैसा चलता रहेगा, यानी कि अपन इसको इस तरीके से लिखे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको अलग अलग सेपरेट करता हूं, तो अलग अलग सेपरेट करूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि साइन थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, इसको मैं लिखूं कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर क्या शेष बचा हुआ है, यहां पर ऊपर तो एक बचा हुआ है, नीचे कितना बचा हुआ है, ये बच गया यहां पे कोस थीटा, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, यहां पर कितना बच गया एक और यहां पे कितना बच गया साइन थीटा। एक बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, एक बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, ठीक है ना, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, एक बटा साइन किसके बराबर होता है, ये होता है कोसेक थीटा के, और यही अपने को ये लेके आना था, यानी कि ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको इस तरीके से करना है।